कहानी उन बहनों की जो कि फफक फफक कर रो रही हैं अपने भाई पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए, जिन्होंने कहा कि उन्होंने मामा शिवराज सिंह चौहान के फेस पर वोट दिया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने तो उनके साथ ही दगा कर दिया। मध्य प्रदेश के नए सीएम अब मोहन यादव बनाए जा चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान अब इतिहास हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की महिलाएं, खास तौर पर वे महिलाएं जिनको लाडली बहना योजना से जोड़कर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा आर्थिक लाभ दिया था, वे महिलाएं आज भी अभी भी बीजेपी के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के सीएम नहीं है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी महिलाएं शिवराज सिंह चौहान को घेर कर रोई थी, तो अब विदिशा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के दौरे पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान को यहां पर भी कई महिलाओं ने घेर लिया और उनके सीने से लिपटकर रोने लगी। वे बार बार यही कहती रही कि अब उनका क्या होगा, उन्होंने वोट शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर दिया था, लेकिन अब किसी दूसरे को सीएम बना दिया गया है, ऐसे में लाडली बहनों का क्या होगा, अब कौन उनका ख्याल रखेगा। ये बोलते हुए महिलाएं शिवराज सिंह चौहान से लिपटकर दहाड़े मार कर रोने लगी। शिवराज सिंह चौहान ने काफी देर तक महिलाओं को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन माहौल इस कदर भावुक हो चुका था कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर सके और इमोशनल होकर वो भी रोने लगे। सभी महिलाओं से बोले कि जीऊंगा तो आपके लिए और मरना पड़ा तो आपके लिए ही मरूंगा। बहनों, मैं आपका था, आपका हूँ और आपका ही रहूंगा। अब मामा शिवराज सिंह चौहान के लिए बहनों का ये आंसू देख शायद ही आप भी अपने आप को कंट्रोल कर पाए। लेकिन इसी के साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए।